अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप लोग? से उम्मीद है खैरियत से होंगे और जहाँ होंगे बहुत खुश होंगे। तो मेरे हिसाब से दुनिया का हर बंदा जो है वो गाना गा सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि दुनिया का हर बंदा कैसे गाना गा सकता है। भाई नहीं गा सकता, लेकिन गा सकता है। इसके पीछे एक राज है, मैं आपसे वो राज शेयर करना चाहूँगा। शुरू के दिनों में जब मैंने सिंगिंग शुरू स्टार्ट की थी, तो मैं एक आई वॉज अ बैड सिंगर। मैंने गाना गाया था, क्या बोलते हैं उसको, नया नई मूवी आई थी अजब प्रेम की गजब कहानी, उसमें मैंने गाना गाया था तेरा होने लगा हूँ, तेरा होने लगा हूँ। गाना गाते गाते आपके भाई की चीख निकल गई। अब चीख क्यों निकली? क्योंकि हम मोस्टली जो है अपने जो गाना गाते हैं ना, जब हम किसी स्टेज पे परफॉर्म करते हैं, बहुत सारे स्वर लोगों का ये मसला है। मैंने कई लोगों को स्टेज पे फेल होते हुए देखा है सिर्फ इसी चीज़ की वजह से। होता यह कि हम लोग गाने की कोशिश करते हैं जिस तरह का गाया होता है सिंगर ने। अब सिंगर ने गाया है अपने हिसाब से। अब जब सिंगर ने गाया है तो उसके पीछे, अब हमारे आम लोगों को पता है जी ऑटोट्यून लगता है। जी ऑटोट्यून नहीं लगता, इसमें रिवर्ब भी लगता है, इस पर ऊपर इको डिले, उसके बाद नॉइज़ रिमूवल, उसके बाद पिच अपग्रेडेशन, उसके बाद क्या बोलते हैं उसको यार, वो एक होता है, एक अलग एक चीज़ होती है, मुझे भूल गया उसका नाम, बड़े ओके से नाम है। ये सब कुछ लगाने के बाद एक प्रॉपरली एक सिंगर एक स्टूडियो के अंदर एक अच्छे माइक के साथ, जो BM 800 नहीं होता, जो 3000 का मिल जाता है, वो कोई हमारा ये वाला माइक नहीं होता, वो अच्छा 40,000 से 50,000 के राउंड अबाउट जो एक प्रॉपर माइक है वो आ जाता है इतने का, जिसमें स्टूडियो रिकॉर्डिंग हो जाती है, वो यूज़ किए होते हैं। और अगर आप चले जाओ बॉलीवुड लेवल पे जो गाने आ रहे होते हैं, आतिफ असलम के जो गाने आ रहे होते हैं, भाई एक तो एक्सपीरियंस लोग हैं वो, दूसरी बात टैलेंटेड भी हैं, तीसरी बात उनके पास इक्विपमेंट अच्छा है, उनके पास रिकॉर्डिंग। अब हम लोग कॉपी कर रहे होते हैं उसको, ठीक है। अब बाय द वे मैं कॉपी कर रहा था आतिफ असलम को, तेरा होने लगा हूँ जब से मिला हूँ, लेकिन मैंने किया आतिफ असलम को कॉपी और पीछे करोके लगा लिया, तो मेरी निकल गई चीख, और बाखुदा बड़े लोगों की चीख निकलती है यहाँ पे। अच्छा वो था लाइन आई थी, आंखों से छू लूं के बाहें तरसती है, यहाँ पे आके ना चीख निकल गई थी, क्योंकि वो म्यूजिक के हिसाब से चल रहा था। तो आई वॉज रियली एम्बेरस्ड, मतलब मेरा दिमाग खराब हो गया था। मैंने कहा तो मैंने आज के बाद गाना ही नहीं, करना ही कुछ नहीं, मैं हूँ ही नहीं सिंगर, मुझे ना। लेकिन ऑब्वियसली फादर सपोर्ट, क्लैपिंग, यस मेरे बच्चे ने गाना गाया। और उम्र भी कोई इतनी को खास नहीं थी, कोई 10th मैट्रिक में थे हम। तो मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि हम गलती कहाँ पे कर देते हैं, जब वेन वी आर लर्निंग द सिंगिंग और ये सब कुछ प्रोसेस चल रहा होता है, हम लोग फॉलो करते हैं गानों को। अब वो गाने होते हैं उनके लेवल के गाए हुए, जब हमसे गा नहीं होता तो हम जोड़ देते हैं, हम कहते हैं हमसे नहीं होगा, ठीक है। सबसे पहले तो सबसे पहले तो अपनी वॉइस को पहचानने की कोशिश करें कि आपके अंदर क्या है, आपके अंदर क्या है, कुछ तो है ना, कोई अपनी क्रिएटिविटी। सबसे पहले अपने आप को तलाश करें, सिंगर्स को फॉलो ना करें, मैं रिकमेंड करूंगा, हाँ अपना कोई अच्छा रखें लेकिन उनको फॉलो ना करें। अपनी वॉइस तलाश करें, फिर अपने हिसाब से गाएं और विदाउट इंस्ट्रूमेंट गाएं। सबसे पहले विदाउट इंस्ट्रूमेंट, विदाउट करोके गाएं, उससे आपका अच्छा जो है ना वो बन जाएगा। लेकिन हमारे अब स्टूडेंट्स होते हैं, कॉलेज यूनिवर्सिटी में फंक्शंस हो गए, ठीक है ना, उनमें बड़े लोगों को मैंने फेल होते देखा है, तो वो क्या करते हैं, क्या है, करोके के पीछे गा रहे होते हैं, और करोके के ऐन मुताबिक आपको गाना पड़ता है, जिस तरह के आप जितना आपको एक तो साथ रख के, क्योंकि म्यूज़िक ने आपके साथ नहीं चलना, आपने म्यूज़िक के साथ चलना है, फिर म्यूज़िक की जो पिच है उसके साथ आपने रहना है, तो क्वाइट डिफ़िकल्ट वर्क ना। लेकिन अगर आपको ये आ जाता है तो इससे अच्छी चीज़ कोई नहीं है, लेकिन आपको ये नहीं आ रहा तो दैट डजंट मीन कि आप गा नहीं सकते, आप गा सकते हैं, आप हर चीज़ कह सकते हैं। तो मैंने अंदाज़ा लगा लिया कि भाई करोके के ऊपर नहीं गाना, अपनी आवाज़ खुद बनानी है, अपना लय, अपना तरीका। तो उसके बाद उसको सेट करते 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 आप एक टाइम ऐसा आता है कि आप करोके भी गाना शुरू कर देते हो, तो फिर वो हो जाते हैं मज़े वाली, मतलब ना मज़े वाला आप गा रहे हो, तो आपको टेंशन नहीं होती कि यार क्या। तो यही मैं आपको सिंगर्स को है कि अपना जो गला है उसको अपने हिसाब से डालें, आपकी अपनी वॉइस है। आप आतिफ असलम नहीं बन सकते, आप राहत फतेह अली खान नहीं बन सकते, आप बिल्कुल नहीं बन सकते, आप अरिजीत सिंह नहीं बन सकते। कॉपी कर सकते हैं, काफ़ी लोग करते भी हैं, मैंने भी किया कॉपी जी, मैं आतिफ असलम को, अली ज़फ़र को बड़ा कॉपी किया जी, लेकिन बाद मुझे समझ आई कि मेरी वॉइस इन दोनों के दरमियान में कहीं। तो वॉइस को तलाश करें, अपना कुछ सेट करें,
उसके बाद आप गा सकते हैं। बाकी लास्ट में मैं आपको दो टिप्स देने लगा हूँ कि अगर आप अपना गला बेहतर करना चाहते हैं तो एक साउंड तीन दो प्रैक्टिसेस हैं। एक तो नाक बंद करके अपना मुंह रोक के नाक से सांस लें और उसके बाद ये जो आपका डायफ्राम है ना, जो आपका पेट है, ये बाहर आना चाहिए, ना कि आपकी छाती बाहर आनी चाहिए। आपका पेट से आप सांस लें, ठीक है, और ये तीन मिनट तक दोहराएं रोज। दूसरा, एक साउंड निकलती है हमारे गले से इंस्टेंटली, अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो एक ये ट्रिक यूज़ करें जो ज साउंड है। ये साउंड आप जिस तरह मक्खी की साउंड नहीं होती वैसी साउंड है ये, तो ये प्रैक्टिस आप तीन मिनट तक हर रोज़ करेंगे तो मैं कहता हूँ आपको रियाज करने की भी ज़रूरत कोई नहीं, ठीक है। आप अपना गला सेट कर सकते हैं अगर आप थोड़ा बहुत गाने आते हैं। बाकी ये सबके लिए टिप्स हैं जी, ये सब लोग यूज़ करें, बड़ा फ़ायदा होगा आपको। और घबराए ना, सबसे मेन चीज़ है कॉन्फिडेंस। हमारे आधे से ज़्यादा यहाँ पे ना लोग सिंगर्स हैं लेकिन उनके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आता कहीं भी स्टेज पे परफॉर्म करने का, तो समझ लेंगे जी आपके आगे वाले कोई है ही नहीं, तो आपके लिए अंदर कॉन्फिडेंस। तो कॉन्फिडेंस के लिए हम अलग से वीडियो बना लेंगे जी, लेकिन ये वीडियो मैंने रखी थी खास कि विच मिस्टेक्स वी डू व्हेन वी आर सिंगिंग। तो बाय बाय, stay tuned.